Good morning, friends. Today we are going to discuss about the topic regular polygon and irregular polygon and related figures and their sum of interior angles. So let us start with the regular polygon. तो regular polygon होता क्या है? सबसे पहले definition. Regular का मतलब होता है क्या? Equal sides, equal angles, जो क्या एक समान हो, उसके देखने में क्या हो, बराबर हो. तो regular polygon क्या होते हैं कि ऐसे figure जिनके सारे sides equal हो और जो उनके इंटीरियर एंगल्स होंगे अगर वो भी सारे इक्वल होते हैं तो वो पॉलीगन क्या कहलाते हैं? रेगुलर पॉलीगन. जैसे हम क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं. कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ये साइड इसके इक्वल होता है, तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल साइड्स होते हैं. यानी कि ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स ए सी, ठीक है, ये साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सिमिलरली जिसके एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, वो भी क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स एंगल सी. इस टाइप के जो फिगर कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? ऐसे फिगर जो होते हैं वो कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, जो क्या होते हैं, इनके सारे साइड्स इक्वल हो, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड इट्स इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन, ठीक है. इसके सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे? 60 60 60 डिग्री. इसी तरीके लेते हैं, अगर स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर जो होता है ये भी क्या कहलाएगा? ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है. ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में, जिसके फोर साइड्स हैं ए बी सी डी, ठीक है. ये क्या होते हैं? इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. क्या होते हैं? जो स्क्वायर होते हैं इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. जो सारे एंगल जो होते हैं क्या होते हैं? 90 90 डिग्री होते हैं. ये सिंबल जो होता है 90 डिग्री होता है. ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, दे आर नोन एज द रेगुलर पॉलीगन. तो ऐसे फिगर जिनके सारे साइड्स इक्वल हों और सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो क्या कहलाएंगे? वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे, ठीक है. जैसे कि ये फिगर लेते हैं, इसमें कितने साइड्स हैं? इसमें छह साइड हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक. इसमें क्या है? ये आपका है हेक्सागन. क्या है? हेक्सागन, ठीक है. हेक्सागन क्या होता है? ऐसे फिगर जिनके छह साइड्स होते हैं उसे कहते हैं हेक्सागन, ठीक है. तो ये क्या हो जाएंगे? इसमें ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी डी इक्वल्स डी ई इक्वल्स ई एफ इक्वल्स ए एफ, सारे साइड्स इक्वल होंगे. जो सारे एंगल्स होंगे यानी कि एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स एंगल सी इक्वल्स एंगल डी इक्वल्स एंगल ई इक्वल्स एंगल एफ, इसके जो सारे एंगल होंगे क्या होंगे? सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है. तो इस तरह की फिगर क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं रेगुलर पॉलीगन. आते हैं हम नेक्स्ट पे इरेगुलर पॉलीगन. तो ऐसे पॉलीगन जिनकी कोई साइड्स इक्वल ना हो और इंटीरियर एंगल्स भी ना इक्वल हो, यानी कि जो क्या हो इरेगुलर इन शेप एंड साइज, कुछ भी लिख दीजिए, क्या है आपके इरेगुलर पॉलीगन है. ये साइड अलग होगा, ये साइड मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे इरेगुलर पॉलीगन, यानी कि ऐसे फिगर जिनके क्या है साइड्स अलग अलग हो जाए वो क्या कहलाएंगे? इरेगुलर पॉलीगन. ऐसे ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएंगे आपके इरेगुलर पॉलीगन की स्टडी में आते हैं. ये हो गया आपके रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन बारे में. अब आते हैं कि कौन कौन से फिगर होते हैं इसमें, ठीक है. पॉलीगन्स के जो नाम है पेंटागन हेक्सागन ट्रायंगल स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग फिगर्स के क्या क्या नाम होते हैं, उनके जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल का, वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं विद फिगर, ओके. तो हम क्या करते हैं, हम अब पढ़ते हैं इसमें कि जो फिगर्स होते हैं उनके फिगर्स के नाम क्या होते हैं, ठीक है, उसमें कितने साइड्स होते हैं, ओवरलैपिंग ट्रायंगल कितने होते हैं, उसके इंटीरियर एंगल के सम कितने होते हैं. तो सबसे पहले क्या है, स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से. ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, कितने इसमें साइड होते हैं? 3 साइड्स के होते हैं, ठीक. इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता है, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स कोई नहीं होते हैं, ठीक है. इसलिए क्या होता है, इसका सम जो होता है 1 × 180 डिग्री, मीन्स 180 डिग्री का इसका तीनों एंगल का सम होता है. क्वाड्रेटर क्या होते हैं? क्वाड्रेटर में कितने साइड होते हैं? ए बी बी सी सी डी और डी ए, 4 साइड के क्वाड्रेटर होते हैं. इसमें जो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग ट्रायंगल जो होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं. जैसे देख लीजिए इसको क्या कर ले, इसको काट देते हैं, कितने पार्ट हो जाएंगे? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया. तो 2 ट्रायंगल्स क्या होते हैं इसमें? इसमें ओवरलैपिंग करते हैं. तो इसके जो एंगल्स का सम जो होता है 2 × 180 डिग्री, यानी कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री के जो क्या होते हैं, इसके इंटीरियर एंगल के सम होते हैं, ठीक है. तीसरा क्या है? पेंटागन है. तो पेंटागन के क्या फिगर है? सेम वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है. ये ले लिया, कितने साइड इसमें? अभी 40 साइड हो रहा है ना,
हम पाँच साइड के बना लेते हैं, ठीक है। ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया और पाँच हो गया। पाँच साइड बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ ओवरलैपिंग टर्म कितने होंगे? ये हो गया एक, ठीक है, पहला हो गया। यहाँ स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। कितने ट्रायंगल होंगे? एक हो गया, दो हो गया, तीन। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं इसमें? थ्री ट्रायंगल्स बन रहा है, तो ओवरलैपिंग ट्रायंगल थ्री, इसका जो एंगल हो जाएगा 3 × 540 डिग्री का आ जाएंगे, इसके इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, ये इसको कहते हैं पेंटागन। पेंटा का मतलब होता है क्या? फाइव। क्वाड्री का मतलब होता है फोर। ट्राई का मतलब होता है तीन। हेक्सा का मतलब होता है सिक्स, ठीक है। जैसे इसको कौन कर रहे हैं, हेक्सागन है, हेक्सागन को बना लेंगे तो कितने साइड होंगे इसमें? छह साइड होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? एक दो, ठीक है, सबको ना, तीन, एक दो तीन चार पाँच, कितना साइड हो रहा है? छः हो रहा है ना, हेक्सागन है ना, चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच सिक्स, इसमें फिगर बन गया, ठीक है। इससे क्या बनेगा, इसमें एक दो इसका हो गया, ठीक है, प्रयास कर लेते हैं, एक दो तीन, तीन खींचेंगे लाइन, इसमें कितने ट्रायंगल बन गए? एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, चार ट्रायंगल हो गए, इसमें फोर ट्रायंगल्स बन गए, जिसमें कितने जाएंगे इसका इंटीग्रेशन का 120 डिग्री का आ जाएंगे, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा। क्या है, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स ऐसे काउंट कर सकते हैं। ये हेप्टागन है, ठीक है, हेप्टा का मतलब क्या होता है? सेवन, यानी कि जिसमें क्या हो, इसमें सेवन एंगल्स हो, ठीक है, यानी सेवन साइड, सॉरी सेवन साइड्स हो। इसका फिगर बना लेते हैं, इसका फिगर पहले सेवन साइड में बना ले, एक दो तीन चार पाँच छः, ओके, सात हो गया ना, सात देख लेते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन साइड हो गया। इसका बना लेते हैं, ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें कितने एंगल्स हैं टोटल? टोटल फाइव है, तो क्या कर लेंगे, फाइव एंगल्स ओवर ट्रायंगल ओवरलैप करने हैं, 1 8 यूज कर लेंगे, कितना एंगल्स का इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा इसमें? 900 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब होता है एट, और नोने का मतलब क्या होता है? नाइन, ठीक है, तो ऑक्टा में गिन लेते हैं, ऑक्टा में फिगर में लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है, ये एट साइड्स हो गए। थोड़ा साइड्स अब अच्छे से बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये पॉइंटेड जो है आपका, ये क्या है गैप, गैस में ले लेते हैं, पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा ट्रायंगल बन गया, चौथा बन गया, पांचवा बन गया, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ साइड्स एक है, तो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं, देयरफॉर 6 × 18, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1080। ये क्या हो जाएंगे, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 1080। इसी तरह क्या है, नैनोगन जो है, इसमें क्या होंगे, नाइन साइड्स होंगे, नाइन साइड्स थोड़ा सा बना लेते हैं इसको भी हम, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये पॉइंटेड जो है आपके क्या है, ये मैं साइड बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लेते हैं, एक ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है ये। सिमिलरली इसको काउंट करेंगे क्या होगा, 2 3 4 5 6, ये क्या है, सब इंडिविजुअल ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन इसमें ट्रायंगल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 7 × 180, तो क्या हो जाएगा, ये 1260 डिग्री, ठीक है, हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं, इस मेथड से हम नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल्स ओवरलैपिंग बता सकते हैं, और इन सब फिगर का नाम बताया दिया गया है। ट्रायंगल का थ्री होता है, क्वाड्री का मतलब फोर होता है साइड्स, पेंटा का मतलब फाइव साइड्स, हेक्सा का मतलब सिक्स साइड्स, हेप्टा का मतलब सेवन, ऑक्टा का मतलब एट, और नैनो का मतलब नाइन साइड्स वाले फिगर को क्या करते हैं, नैनोगन करते हैं, और जो इंटीरियर एंगल्स का सम ऐसे निकाल लेंगे, और जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो ओवरलैप करते हैं इसमें, कितने ट्रायंगल्स मिलके ये बनते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, वैसे निकाल सकते हैं।
और ये क्यों कर रहा है, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो इसीलिए क्या किया, इसमें एक ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, इसमें दो ट्रायंगल बन गए तो 2 × 180 360 डिग्री हो गया। ऐसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करके हम क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी कि इस पूरे नैनोगन का जो इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा 1260 डिग्री का। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम जो इंटीरियर एंगल का सम है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है जिससे क्या क्या जिससे हम इसको एंगल्स को डायरेक्टली हम निकाल देते हैं कि किसी भी पॉलीगन का आपका क्या किसी भी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कैसे निकालना होता है, मैं अभी बताया था, तब तक आप इसको देख लीजिए। उम्मीद करते हैं ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पे आप किसी भी पॉलीगन का और इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ ओवरलैपेड ट्रायंगल बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या करें, इसके बेसिस पे आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।